यमुनानगर नगर निगम कार्यालय में स्थापित इस सेल्फी पॉइंट में लोगों का रुझान काफी नजर आ रहा है। शहर के आम लोगों के साथ साथ यमुनानगर नगर निगम के मेयर मदन चौहान, निगम के अधिकारी भी इस सेल्फी पॉइंट पर आकर अपनी सेल्फी ले रहे हैं, जिसे निगम के फेसबुक पेज पर एंटर किया जाएगा। आज सेल्फी पार्क का शुभारंभ मेयर मदन चौहान ने अपनी सेल्फी खींचकर किया। इसके साथ ही निगमायुक्त पूजा चावरिया ने भी सेल्फी खींची। मेयर मदन चौहान व निगमायुक्त पूजा चावरिया ने निगम के स्टाफ व आने वाले लोगों को सेल्फी खींचने के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि पर्यावरण के लिए विशेष कार्यक्रम 4 जून को मनाया जाएगा, परंतु पूरे जून के महीने में लोगों को पर्यावरण के लिए प्रेरित किया जाएगा व हर महीने 10,000 पौधे शहर के विभिन्न इलाकों में लगाए जाएंगे। हमने निगम की एक छोटी सी पहल है, हमने एक सेल्फी कॉर्नर बनाया है और ये इसलिए बनाया है क्योंकि 5 जून को पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस है, तो हमने इसकी कवायद सिर्फ एक दिन ना रख करके पूरे महीने की है। 1 जून को हमने ये सब बनाया मिलकर, जिसमें हमारे निगम के जो माली हैं पुराने लोग, उसमें हमारे असलम जी हैं, हमारे बहादुर जी हैं, हमारे अजबर जी हैं, बहुत ऐसे लोग जो इतनी मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं और ये छोटे छोटे पौधे को सींचते हैं। तो आप ये जो इतनी अच्छी क्रिएटिविटी देख रहे हैं, ये सब उनकी मेहनत है और सही मायने में बोलूँ तो वही है जो हमारी पृथ्वी के रक्षक हैं और हमारे पर्यावरण के रक्षक हैं। तो ये एक पहल इसलिए है कि आप कितना कर सकते हैं अपने स्तर पे पृथ्वी पे हरियाली को संजो के रखने के लिए, क्योंकि अगर पर्यावरण दुरुस्त है तभी हमारा जो हेल्थ है हमारी, तभी वो दुरुस्त है। तो गाय अपनी सेल्फी खींचे, उसको निगम के फेसबुक पेज पर अपने एक संदेश के साथ अपलोड करें। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि 5 जून को हमारा एक कल्चरल प्रोग्राम भी है जो पर्यावरण के लिए एक सुरमई संदेश होगा, और 30 जून तक निगम जो है हर प्रकार के कार्यक्रम करेगा लोगों को जागरूक करने के लिए, जिसमें NGT के जो गाते हैं उसके बारे में भी लोगों को बताया जाएगा और उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं पर्यावरण के लिए उसके बारे में भी बताया जाएगा, और CGM साहब की तरफ से उनके नुमाइंदे भी इस कार्यक्रम में रहेंगे जो लोगों को उनकी ड्यूटी के साथ साथ अगर कोई उल्लंघन करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लकड़ी जला रहा है तो उसको 5,000 रुपये जुर्माना है, इस तरह की बातें भी हम लोगों से साझा करेंगे, क्योंकि धरती को पर्यावरण को स्वच्छ रखना सबकी साझेदारी है, यही हमारा थीम है। आप ऊपर लोगों पर भी ये देख सकते हैं। पहली सेल्फी हमारे मेयर साहब ने ली थी, उसके बाद हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब और कुछ पत्रकार साथी भी हैं यहाँ पे, तो सभी आए, पूरे यमुनानगर वासी आए अपनी सेल्फी लें। और सेल्फी इसलिए कि सेल्फी लेकर के साथ में एक पर्यावरण को बचाने का संदेश भी उनकी तरफ से जाए, और कोई अगर स्पेशल एफर्ट कर रहा है इसमें तो वो आकर के उसे निगम को दर्ज कराए, निगम उसको सम्मानित भी करें, क्योंकि एक ऐसा कॉर्नर है यहाँ पर आके अच्छी अलग ही तरह की फील आ रही है। अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक का भी बहुत खूबसूरती से हमने गमलों में उपयोग किया है, और जो हमें सबसे अच्छी छाया देता है पीपल का वृक्ष, एक उसका छोटा सा हमने यहाँ पर डेमो के लिए भी प्लांट रखा हुआ है, तो यहाँ आके एक अलग से सुकून मिल रहा है क्योंकि हरियाली है तो और भी अच्छा लग रहा है। और ये कॉर्नर इस ग्रीनरी की वजह से इसका तापमान भी इतना अच्छा है कि मैं पूरा दिन भी यहाँ पर आराम से बैठ सकती हूँ। तो एक मैसेज यही कि आप जितना हरा भरा आपने देश प्रदेश को करेंगे, पृथ्वी का तापमान भी उतना ही अच्छा होगा। 5 जून से जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, हमारे यहाँ कॉरपोरेशन ने 1 जून से इसकी तैयारी कर दी। आज 2 जून है, हम एक सिम्बॉलिक यहाँ पे अपने स्टार्ट आज का कार्यक्रम किया है। हमारी कमिश्नर पूजा चावरी जी ने जो अथक मेहनत करके सभी मालियों के साथ मिलकर के कार्यक्रम स्टाफ के साथ कराया, पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना बढ़िया ये काम किया। और पूरे महीने 30 जून तक ये हमारा कार्यक्रम चलने वाला है। 5 जून को जो पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम हमें कि ऑडिटोरियम में या इसकी व्यवस्था करने लग रहे हैं, आपको बता देंगे जल्दी, वहाँ मनाएंगे। और इस महीने के अंदर हम कम से कम 10,000 पेड़ कॉरपोरेशन की तरफ से जगह जगह पर लगाने का काम करेंगे।